अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज मैं जिस फिल्म का रिव्यू पेश करूंगा वो वहीद मुराद साहब की दूसरी प्लैटिनम जुबली फिल्म अंजुमन है। नाजरीन, अंजुमन फिल्म 31 जुलाई 1970 को रिलीज़ हुई और इस फिल्म के हदायतकार थे हसन तारक साहब, इस फिल्म के मौसीकार थे निसार बज़मी साहब। अंजुमन फिल्म के जो अदाकारों में शामिल थे वो सबिया खानम, संतोष, वहीद मुराद, रानी, दीबा और लहरी, ये सब उसमें शामिल थे। और नाजरीन, ये फिल्म बहुत ही कामयाब फिल्म थी। इस फिल्म के गाने भी बहुत अच्छे थे। इस फिल्म में वहीद मुराद साहब ने एक कॉमेडी, लाइट कॉमेडी, रोमांटिक अदाकारी से लेके ट्रेजडी अदाकारी तक हर किस्म का इसमें रोल अदा किया। और ये फिल्म वहीद मुराद साहब की फिल्मों में देखने के लायक है। नाम इसका अंजुमन है, रानी पे ये फिल्म है, एज ए अंजुमन वो तवायफ होती है, लेकिन इस फिल्म में काम जो था वो वहीद मुराद साहब का बहुत ही उम्दा काम था। सब अदाकारों में भारी थे वहीद मुराद साहब। भाभी मेरी भाभी, तुम जियो हजारों साल। तुम पूछने वाली कौन होती? जिंदगी भी हमारी अपनी है। ये फैसला कर दे कि उसने बीवी का शोहर तो छीना था। बस मैं सोच रही थी। हाँ, आप सोच रही थी कि हालत और ज्यादा खराब हो जाए तब जाऊँ। माँ शर्माने लगे क्यों, अचल में मुखड़ा तू। बड़े हाल में ठीक है, उनसे बहुत देरी तैयार हो रही है। नाजरीन, ये फिल्म शुरू होती है, संतोष जागीदार होते हैं, इनकी बेगम होती है सुबिया खानम और इनके देवर होते हैं वहीद मुराद साहब। सालगिरह होती है, एक गाना भी है भाभी मेरी भाभी तुम जियो हजारों साल, और बहुत ही अच्छा गाना, बड़ा अच्छा। वहीद मुराद साहब ने फिल्म बंद करवाया, संतोष साहब बैठे होते हैं सुबिया खानम, और बहुत ही लाइट गाना था ये। इसके बाद यही गाना थोड़ा सा स्लो तेज दी था, भाभी मेरी भाभी, वो स्लो था। तेरा तो सारा बदन पसीने में भीग रहा है, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को दिखाया है भाभी, बस सर चकरा रहा है। दवाई ले आया, लेकिन तूने तो उसकी एक खुराक भी नहीं पी। जी नहीं नहीं, गोलियां मैंने पी ली है, मिक्सचर नहीं खाऊंगा। मिक्सचर नहीं खाऊंगा? पागल हो गया? अभी तक तेरा बचपना नहीं गया, मिक्सचर नहीं पीऊंगा। नहीं भाभी नहीं, खुदा के लिए बड़ा ही कड़वा मिक्सचर है, मैं नहीं पीऊंगा। अभी तो परचम है प्यार बहन का, माँ की ममता दोनों। प्यार बहन का, माँ की ममता दोनों का संगम है। जागीर पे जाते जाते तमन्ना बेगम होती है और अंजुमन ये तवायफ होती है, और संतोष वहाँ पे चले जाते हैं। रूना लैला साहबा के बहुत अच्छे गाने हैं, उसका गाना सुनते हैं रानी साहबा का, उसके बाद वो उसके इश्क में गिरफ्तार हो जाते हैं। आप दिल के अंजुमन में हुस्न बनकर आ गए हो। अभी उससे उसकी वालदा भी कहती है इससे लूटो जागीदार है। घर पे संतोष साहब तवज्जो नहीं देते, सुबिया खानम को इग्नोर करते हैं, और वहीद मुराद साहब देखते हैं कि मेरी भाभी इतनी परेशान है, और वो पूछते भी हैं कि क्या परेशानी है, लेकिन फिर वो नहीं बताती। लेकिन वहीद मुराद साहब अपने भाई के पीछे पीछे जाते हैं, कहाँ पे ये जाता है। तुम पूछने वाली कौन होती? जिंदगी भी हमारी अपनी है। वो भी रानी साहबा के वहाँ पहुँच जाते हैं, तो वो फिर बाद में जब अकेले में वो देखते हैं कि ये तो यहाँ पे आते हैं, मेरे भाई यहाँ पे सारी दौलत लुटाते हैं इनके पास, तो वहीद मुराद अकेले में बाद में जाते हैं रानी साहबा को मना करने के लिए कि मेरे भाई को यहाँ पर ना आने दिया करो। तो रानी साहबा वहीद मुराद को देखती है तो देखती रह जाती है। वो कहती है कि एक शर्त है, तुम्हारा भाई यहाँ कभी नहीं आएगा, कि उसकी जगह तुमने आना है। तो वहीद मुराद साहब बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वहीद मुराद साहब तो लव करते हैं दीबा के साथ। दीबा जो होती है वो सुबिया खानम की बहन होती है, लाइट कॉमेडी भी है। दीबा के साथ भी एक गाना है या दशवा खैर बचपन में, और ये भी अहमद रशीद साहब का। वहीद मुराद साहब ने बहुत ही अच्छा ये फिल्म बंद करवाया अभी, और जो आपने उन्हें मेरा कमरा दे दिया ना, ये तो और भी अच्छा। और क्या, तेरा कमरा घर में सबसे ज्यादा खूबसूरत है ना? वो तो है, वैसे आपकी नस्बत आपकी बहन बहुत खूबसूरत है। क्या
लेकिन आप ये बताइए कि आपने आने में इतनी देर क्यों की? बस मैं सोच रही थी। हाँ, आप सोच रही थी कि हालत और ज्यादा खराब हो जाए तब जाऊँ। कैसे आप इसके तालुक जी? आपको याद नहीं कितना खूबसूरत बचपन था हमारा? द्वादश बखैर बचपन में खेले थे घर आंगन में, होके जमा शर्माने लगे क्यों आंचल में मुखड़ा छुपाने लगे। ऐसे ये फिल्म आगे बढ़ती है और अंजुमन जो होती है, रानी साहबा होती है, वो विदमास से खुशियाँ बिकती हैं, आरजुएं बिकती हैं। आप भी तो मेरे पास अपनी ये आरजू खरीदने आए हैं। उसके भाई से तो वो सिर्फ पैसे के लिए करती है, वैद्यनाथ के साथ वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वैद्यनाथ साहब मजबूरी से आते हैं वहाँ पर। वैद्यनाथ साहब का और इसका गाना बहुत ही अच्छा गाना है, अहमद रिश्ते साहब का अलमिया गाना है, और लग रही है आज मुझे, लग रही है मुझे प्यार सुबिया खानम जब देखती है अपने देवर को, वैद्यनाथ को, तो वो बेटा समझती है। वो देखती है कि इतना परेशान है ये, वो फिर जाती है वहाँ पे अंजुमन के कोठे पर। सुबिया खानम उसे कहती है कि तुम इसका पीछा छोड़ दो, ये एक मासूम है, इसकी तो ये तो किस तुमसे लव नहीं करता, ये तो किसी और लड़की से लव करता है। अंजुमन को बहुत ही वो पैर पकड़ती है, फिर कहती तुम भी एक औरत हो, फिर वो ऐसे करके वो सुबिया खानम की बात मान जाती है अंजुमन। तो वो दिल की अच्छी होती है, वो कहती है कि ठीक है मैं नहीं, लेकिन मुझे इसकी शादी पे लाजमी बुलाना, मैं गाना गाऊंगी, मैं नाचूंगी इसकी शादी पे। ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा होगा आसिफ, तुमने अंजुमन के घर जाकर मेरा सुहाग मांगा था, मैं उससे अपना बेटा मांग लिया। लेकिन भाभी मैं इन बातों से औरत की इस बेजान लाश में वो एहसास डालना चाहती हूँ जिससे वो फिर से औरत बन जाए। मेरी बातों को सुन ले और ये फैसला कर दे उसने बीवी का शोहर तो छीना था। वहाँ पर आखिरी गाना था वो भी नूरजहां साहब का गाना था, और वो गाना बहुत ही अच्छा गाना फिल्म बंद करवाया रानी साहबा ने। और रानी साहबा के सारे गाने, दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ, वो गाना भी रानी साहबा का बहुत अच्छा था। और एक आप दिल की अंजुमन में हुसन बन कर आ गए, वो भी रानी साहबा का बहुत अच्छा गाना था। नाज़रीन, इस तरह ये फिल्म जिस वक्त एंड पे रानी साहबा गाना गाती है और मर जाती है, और वैद्यनाथ साहब दूल्हा बने होते हैं और दीबा के साथ उनकी शादी हो रही होती है। इस तरह ये फिल्म रानी साहबा टाइटल रोल में थी, लेकिन इस फिल्म में वैद्यनाथ साहब ने जो एक्टिंग की है, और उसमें संजीदा एक्टिंग और उनके जो कॉमेडी एक्टिंग, जो लाइट और गाना फिल्म बंद करवाना, ये टोटली वैद्यनाथ साहब की फिल्म और रानी साहबा की फिल्म थी। और सुबिया खानम ने भी बहुत अच्छी अदाकारी की थी देवर भाभी के बाद, इसमें भी वो भाभी बनी थी। देवर भाभी भी हसन तारक साहब की थी, ये भी हसन तारक साहब की फिल्म थी और बहुत अच्छी फिल्म में थी। हसन तारक साहब ने एक वो त्वाइफों पे बहुत अच्छी फिल्में बनाया करते थे। अमराव जान अदा भी बहुत अच्छी बनाई थी। सुरैया भोपाली भी वैद्यनाथ और शाहिद साहब की थी। दीदार थी बहुत अच्छी। तो नाज़रीन, ये था फिल्म अंजुमन का रिव्यू, उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्यार बहन का, माँ की ममता दोनों का संगम है, प्यार है एक सा।